दिन जय भारत। मैं फातिमा निखत आपका स्वागत करती हूं BTS न्यूज चैनल में। हर पल की खबर आप तक, आइए देखते हैं आज के समाचार। आज क्रिया संघ सोसाइटी और एक्सेस फाउंडेशन के जानिब से आज रसूलपुरा सिकंदराबाद कंटोनमेंट एरिया के अंदर जो वार्ड नंबर 2 है, जो कि हैदराबाद का एक सबसे बड़ा स्लम है जिसमें 130,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं और ज़्यादातर स्लम एरिया है, तो यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत दिन से हम कोशिश कर रहे थे, तो इसके लिए एक्सेस फाउंडेशन आगे आई कि हमको एम्बुलेंस डोनेट किए और क्रिया संघ सोसाइटी हमारी तंजीम इसकी ज़िम्मेदारी ली है कि हम इसको मेंटेनेंस करेंगे, ड्राइवर बाकी का पेट्रोल वगैरह का हम मेंटेनेंस करेंगे और पब्लिक से हम कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस रहेगी रसूलपुरा बालमरई के लोगों के लिए, वार्ड 2 और वार्ड 3 के लिए इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज 20 तारीख के दिन आज ओपन करें हम रसूलपुरे में, तो मैं ये चाहूँ कि आप सब लोग इस फैसिलिटी को इस्तेमाल करें रसूलपुरे के लोग, और इसका नंबर भी हम आप लोगों को इसलिए ये मीडिया में नहीं दे रहे क्योंकि बहुत जगह गए तो कहाँ कहाँ से कॉल है तो हम उतना मैनेज नहीं कर सकते। हम फिलहाल पहले इस फेस में हम लोग रसूलपुरा और बालमरई एरिया कवर कर रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को हम ये मैसेजों के ज़रिए, पोस्टरों के ज़रिए, वॉलपेपरों के ज़रिए हम ये नंबर पहुंचा देंगे। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं एक्सेस फाउंडेशन का, क्रिया संघ सोसाइटी के मेंबर्स का, हमारे अब्दुल वहाब साहब का और हमारे जितने भी साथियाँ हैं यहाँ पे उन सबका मैं शुक्रगुजार हूं, और स्पेशली प्रेस मीडिया वाले भाइयों का भी जो कि हमारे इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए आए, आप तक ये मैसेज को हमारे पहुँचा रहे, तो मैं सबके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। कौन से भी लीडर को भाई हम एक क्लियर कर दे रहे हैं कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हमारे वजह से खतरा नहीं है, हम कोई भी पॉलिटिकल आपके अपोनेंट नहीं है, आपके अपोजिट नहीं है, ओनली हम सर्विस है, क्योंकि हम ये बस्ती में पैदा हुए भाई, ये बस्ती में बड़े हुए हैं, बचपन से हम मुश्किल होता है, बचपन से हम ये देखे वो मुसीबत को मिटाने के लिए, वो मुसीबत दूसरों को नहीं उठना बल्कि उसके लिए काम कर रहे हैं, आज गवर्नमेंट स्कूल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, बस्ती में एक कंप्यूटर सेंटर है, टेलरिंग सेंटर है, ब्यूटिशियन सेंटर है, कार ड्राइविंग सेंटर, ये सारे चीजें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे नौजवानों को। आज हमारे पास ट्रेनिंग लेके बच्चे लॉरियल में, लैक्मे में, ब्यूटी पार्लर के कोर्सेस में काम कर रहे हैं, TCS में काम कर रहे हैं, डीमार्ट में काम कर रहे हैं हमारे बच्चे, तो आप लोगों में कोई भी हमारे पास आके स्किल ट्रेनिंग ले सकते हैं, सीख सकते हैं, उसके अंदर ये हमारा छोटा सा ये ख्वाहिश है को स्टार्ट करना बोल के। तो यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए यहाँ के जो चीफ गेस्ट हैं, मुझे तो नाम पता नहीं, आप सबका मैं एक्सेस फाउंडेशन की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे यहाँ के सरगर्म कारकुन एक्टिव मेंबर जो यहाँ बस्ती में काम करते हैं जनाब नईम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सेस फाउंडेशन हमारा ये जो NGO है, ये हमारा NGO काफ़ी बहुत पुराना है, हम इसमें वुमेन एम्पावरमेंट और जो ऐसे स्लम एरियाज रहते हैं वहाँ पे बहुत हम काम करते हैं, काम कर चुके भी हैं, तो ये हमारी तरफ से एक छोटी सी यहाँ पे रसूलपुरा के पब्लिक के लिए ये जो एम्बुलेंस ये हमारी तरफ से आपको दी जा रही है, हम होप यही करते हैं कि यहाँ पे खुशहाली अमन भाईचारे हमेशा रहे, कोई इसकी ज़रूरत आपको ज़्यादा ना पड़े, और यहाँ पे एम्पावरमेंट के लिए भी हम नहीं बैठे गुजारिश करेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड एजुकेशन के लिए भी आप थोड़ा वर्क करिए, क्योंकि इस्लाम एरियाज में क्या है बहुत सारे बच्चे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बिलो पॉवर्टी रेट की वजह से पढ़ाई को छोड़ देते हैं, उनके लिए भी आप काम करिए, एक्सेस फाउंडेशन आपके हमेशा साथ रहेगा इंशाल्लाह, और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी आप काम करिए, जैसा कि स्किल ट्रेनिंग है, टेलरिंग है, एम्ब्रॉयडरी वर्क है, बहुत सारे स्किल्स है, तो उसके लिए भी आप हम बराबर आपको जो भी हेल्प चाहिए हमारी फाउंडेशन की तरफ से हम करेंगे, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم थैंक यू वेरी मच। आज एक ऐतिहासिक प्रोग्राम कंटोनमेंट वार्ड नंबर 2 में किया जा रहा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। गेस्ट भी आ गए, उनके लिए फ्री एम्बुलेंस स्टार्ट हो जा रही है। तो जो गेस्ट है मैं उनको स्वागत करूंगा। रिया संघ सोसाइटी वाले को मुख्य धन्यवाद मैं दाने दी ना నయీం గారికి నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను। మరి రసల్పురలో కొన్ని లక్షలలో ఉండే జనాభాకు నయీం ఈ విధంగా సేవలు చేస్తున్నాడు। మరి ఇటువంటి ఇంత పెద్ద రసల్పుర ఏరియాలో సేవ చేయడం అనేది చాలా సంతోషమైన వార్త। మరి ఫ్రీ అంబులెన్స్ కూడా మనకు ఇక్కడ చాలా ఉపయోగపడుతుంది, ఎందుకంటే మనకునే చిన్న చిన్న గల్లీలు కాబట్టి ఇక్కడ చిన్న ఇది అంబులెన్స్ ఉచితంగా ఉండడం చాలా సంతోషకర విషయం। మరి నా అదే విధంగా నా తోటి స్టేజ్ మీద అలంకరించినటువంటి ఎస్ఐ శ్రీనివాస్ గారికి, ఏఎస్ఐ గారికి, మరి అదేవిధంగా దేవులపల్లి శ్రీనివాస్ గారికి, వార్డ్ నంబర్ 2 జబ్బార్ గారికి, మరి మాయక్ భాయ్ గారికి, మరి అందరికి పేరు పేరు నమస్కారం తెలుసు, మలేష గారికి అందరికీ పేరు పేరు నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను। మరి నయీమి చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను, మరి ఈ యొక్క ఇంత బ్రహ్మాండమైన ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాడు నయీమి ఇక్కడ రసల్పురలో దగ్గర లక్ష లక్షన్నర జనాభా ఉంటుంది। ఈ జనాభాకు ఈ విధంగా ఉచితంగా అంబులెన్స్ అతను కృషితో తీసుకురావడం చాలా సంతోషకరం। ఆ అంబులెన్స్ ఎవరైతే గిఫ్ట్ ఇచ్చారో వాళ్ళకు కూడా నేను చాలా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను, ఎందుకంటే వారు చాలా సెలక్షన్ చేసి ఈ యొక్క రసల్పురలో ఎన్నుకొని ఉచిత అంబులెన్స్ ఇవ్వడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం। మరి దానికి పెద్దలందరూ రావడం ఇంకా సంతోషకరమైన విషయం। మరి నయీం గారిని ఇంకొకసారి అభినందిస్తున్నాను। ఈ విధమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఏవైతే చేపడుతున్నాడో ప్రజలకు కావాల్సిన కార్యక్రమం నాకు కూడా అప్పుడప్పుడు ప్రతి విషయాన్ని ఫోన్ చేస్తుంటాను, సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కానివ్వండి ఏదైనా కానివ్వండి, ఎమ్మెల్యే గారి ద్వారా ప్రతి కార్యక్రమాన్ని కూడా ఫోన్లోనే చేపిస్తాను నేను। అదే విధంగా నయీం ఇంకొకసారి అంతా అభినందన తెలియజేసుకుంటున్నాను। జై తెలంగాణ। इसी के साथ ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS News, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।